मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के हालातों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था कराने के भी निर्देश सीएम ने दिए, जिसे लेकर हमारे संवाददाता शोएब खान ने खास बातचीत की प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से। के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी आपात बैठक में शामिल हुए थे। क्या फैसले हुए और क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए? हमारे साथ मौजूद सर, क्या दिशा निर्देश हुए? निरंतर शिवपुरी, ग्वालियर और दोनों डिवीजन की बैठक निरंतर करना है। मुख्यमंत्री हर पल पल की समीक्षा कर रहे हैं और शिवपुरी की स्थिति हम और आप सबको पता है। 5 हेलीकॉप्टर लगे हैं। आज सुबह मौसम खराब था इसलिए उनकी उड़ान नहीं भर पाई। मुख्यमंत्री का एक एक हर विभाग को निर्देशित किया है कि आम नागरिक को जरा सी भी कष्ट और तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो सुविधा हम दे सकते हैं, राशन से लेकर सुरक्षित स्थान पर लेके जाने की, वो तो सारी सुविधाएँ देने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। सर, अभी कितने गांव फंसे हुए हैं और कितने लोग फंसे हुए हैं? 22 कम से कम गांव की संख्या पूरे मध्य प्रदेश की लगभग 1100-1200 है और 22 गांव शिवपुरी के हैं। पूरे हजारों की संख्या में गांव। सर, एयरफोर्स के अधिकारी भी जुड़े थे, एयरलिफ्टिंग में भी परेशानी आ रही है। मैंने बोला ना, मौसम खराब है इसलिए उड़ान नहीं भर पा रहा है। जैसे मौसम ठीक होगा तो मुख्यमंत्री खुद जाना चाह रहे हैं, स्वयं जाना चाहते हैं। वो निरंतर कमिश्नर, डिवीजन के कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और सारे आला अफसर, सीए से लेकर एसी से लेकर सारे कलेक्टर से 1-to-1 उन्होंने बात की, हर व्यक्ति को निर्देश दिया। सरकार के 2 मंत्री और वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इखलास सिंधिया की बात की जाए। हमारे एक तो प्रभारी मंत्री सुशोदा जी और यशोदा जी दोनों शिवपुरी में मुख्यमंत्री की तरफ से बैठे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कंट्रोल रूम बनाकर। सर, राइस क्यूकर आज कितने लोगों को निकाला, कुछ आंकड़ा सामने? अभी मेरा पूरा संज्ञान में निरंतर बढ़ा रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं। मैं कोई आंकड़ा आगे पीछे कर दूं फिर आप बोलोगे? बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू जो है वो लगातार चलाया जा रहा है शिवपुरी में और एयर लिफ्टिंग में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह से तुलसी सिलावट ने यहाँ पर जानकारी दी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IMD24 भोपाल।